सब कुछ सुन चुका हूँ। सुप्रनखा तुम शांत रहो। कैसे शांत हो जाऊं भैया, मेरा तो नाक कान सब कुछ काट लिया रामचंद्र के भाई लक्ष्मण ने। ये सब बातें सुनकर भी तुम उसी आसन में बैठे रहोगे भैया? की पत्नी सीता को विवाह करके लाके लंका में रख दो, यही यही होगा उनका उचित दंड। ठीक बोली हो बहन। सीता से विवाह करने का परसों का सपना था, अब वो अवसर मेरे पास आ गया है। सुनो मारीच, सुनो, मैं अधिक नहीं बोलूंगा। मैं असहाय हो गया हूं मारीच। क्या हुआ लंकाराज? तुम मेरा एकमात्र सहारा हो। तुम्हें प्रतिशोध लेना ही होगा। मुझे क्या करना होगा राक्षस राज? वो सीता को, राजा जनक पुत्री को मैं छीन कर लाऊंगा। परंतु मैं छल से सीता का हरण करूंगा मारीच। छल से हाँ? क्या छल से लंका राज? तुम स्वर्ण मीर का रूप धारण करोगे, तुम राम के कुटीर के सामने विचरण करोगे। सीता सुंदरी तुम्हारे रूप पर मोहित होकर राम और लक्ष्मण को तुम्हें पकड़ लाने बोलेगी। ठीक है लंकाराज। ठीक उस समय सुनसान कुटीर से मैं सीता सुंदरी का अपहरण करूंगा। कोई युद्ध नहीं, रक्तपात नहीं। जाओ मारीच, तुम जाओ। रावण के आदेश से सीता हरण के लिए उसी समय मारीच ने सुंदर मायावी स्वर्ण हिरण का रूप लिया। उसके पूरे शरीर पर सोने जैसी चमक और मारीच स्वर्ण हिरण के रूप में राम की कुटिया के आसपास घूमने लगा और लंकापति रावण पेड़ की ओट में छिपकर सब कुछ देख रहा था। देखो कितना सुंदर है ये हिरण। ये तो स्वर्ण हिरण है। ऐसा हिरण तो मैंने कभी नहीं देखा। प्रभु देखिए कितना सुंदर हिरण है। हाँ सीता, वही तो देख रहा हूँ, सोने की हिरण। वो स्वर्ण हिरण मुझे ला दीजिए प्रभु, मैं इसे पालूंगी। ऐसा हिरण मैंने कभी नहीं देखा। लक्ष्मण भैया, सोने का हिरण होता है क्या? ये अवश्य कोई मायावी चाल है। वो सब नहीं जानती हूँ। वो स्वर्ण हिरण मुझे अभी ला कर दीजिए, उस हिरण को मैं पालूंगी। ऐसा ही होगा देवी,
जैसे भी हो उस हिरण को अभी पकड़कर लाता हूँ। नहीं लक्ष्मण, तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे और सीता की रखवाली करोगे। मैं उस स्वर्ण हिरण को जैसे भी हो पकड़ कर लाता हूँ। सीता के अनुरोध पर रामचंद्र मायावी मृग को पकड़ने हेतु चल दिए। मृग को पकड़ने हेतु रामचंद्र वन में इधर उधर भटकते रहे। अचानक मृग आंखों से ओझल हो गया। रामचंद्र मृग के लिए परेशान हो गए और उसे ढूंढने लगे। इधर रावण सब कुछ छुप कर देख रहा था और उधर रामचंद्र मृग को ना पकड़ पाने के तत्पश्चात उन्हें एक उपाय सूझा। नहीं, मैं इस स्वर्ण हिरण को जीवित नहीं पकड़ पाऊंगा। इसका वध करके इसे ले जाना पड़ेगा। सीता राम के लिए बेचैन हो रही थी, परंतु लक्ष्मण सीता को अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। नहीं देवी, ये मायावी राक्षसी का छल है। मेरे भैया प्रभु रामचंद्र कभी विपत्ति में नहीं पड़ेंगे। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सीता भूल समझ रही थी, अभिमान कर रही थी। अंततः लक्ष्मण महामंत्र और बाण से रेखा खींचकर एक घेरा बनाए। और बोले, देवी मैं जा रहा हूं, आपसे एक अनुरोध है, इस रेखा के बाहर मत जाइएगा, इसमें संकट है। ठीक है लक्ष्मण, तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे भैया अति कष्ट में हैं, जल्दी जाओ, मैंने आर्तनाद सुना है।